नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सहारनपुर थाना सदर बाजार वसवाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने पुलिस अभिरक्षा से फरार चल रहे 50,000 के शातिर इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। जिला न्यायालय पेशी पे लाएंगे अभिरक्षा से फरार 50,000 के शातिर इनामी बदमाश वसीम जॉन उर्फ मॉडल को पुलिस ने ओडिशा से किया गिरफ्तार। 6 महीने पहले पुलिस अभिरक्षा से वसीम उर्फ जॉन मॉडल हो गया था चकमा देकर फरार। शातिर अभियुक्त पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले से हैं दर्ज। आपको बता दें कि एक मामले में जेल में बंद शातिर बदमाश वसीम उर्फ जॉन मॉडल को न्यायालय पेशी पर लाया गया था, जहां से वह पुलिस को चकमा देकर अपने साथियों के साथ फरार हो गया था, जिसके बाद सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा शातिर अभियुक्त के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित करते हुए गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया था। वहीं पुलिस टीम के द्वारा लगातार सीसीटीवी वीडियो के आधार पर वसीम उर्फ जॉन मॉडल को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में शातिर बदमाश ने बताया कि उसकी पत्नी जेल में उससे मुलाकात कराती थी और उसकी पत्नी ने ही उसको जेल से भागने की सलाह दी थी, क्योंकि उसको शक था कि जिस मामले में वह बंद था उसमें उसका आजीवन कारावास हो सकती है, जिसके बाद शातिर बदमाश ने अपनी पत्नी के द्वारा अन्य साथियों से मिलने की बात की और जिला न्यायालय पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का प्लान बनाया था। इसके बाद उसके अन्य साथी ने उसका साथ देते हुए पुलिस अभिरक्षा से उसको फरार कर दिया था। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आज वसीम उर्फ जॉन मॉडल को दोबारा से न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सर फरार मुजरिम ऐसे कोर्ट से फरार हुआ था 50,000 का इनामी, 6 महीने के बाद प्रयास के ज्यादातर लगातार बुलेटिन 6 महीने बाद सफलता मिली है, किस प्रकार से सूचना मिली थी, कहाँ जा रहा है और कैसे गिरफ्तार किया जी? अभियुक्त जिसका नाम वसीम उर्फ जॉन मॉडल है, ये खान आलमपुरा का निवासी है और थाना जनकपुरी का एसपी शूटर भी है। थाना मंडी में पिछले साल 2 अगस्त के दिन इसके द्वारा एक घटना कार्य की गई थी मर्डर की, जिसमें ये जेल में निरुद्ध था। उसकी कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और इस वर्ष 3 जून 2024 को जब ये सुनवाई पर आया था कोर्ट में, तो जो सिपाही इसके साथ था उसका हाथ छटक कर ये वहाँ से कस्टडी से, पुलिस कस्टडी से भाग गया था। और 3 जून के बाद से ही इस पर जो हमने विशेष टीम इसमें गठित कर रखी थी, जो इसके जो मूवमेंट्स हैं वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखकर इसमें एसएसपी सर द्वारा इसमें 25,000 रुपये का इनाम, जिसको बढ़ा के डीआई सर ने 50,000 रुपये का इनाम किया था इस पर, और सर्विलेंस के माध्यम से और स्योर टीम के योगदान से, जिसमें मुख्य रूप से जो इंस्पेक्टर सदर बाजार हैं सूबे से और सब इंस्पेक्टर प्रमोद रावल हैं जो हमारी पूरी सर्विलेंस टीम है, इन सब ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसको अभी 24 तारीख को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है पूरी जिले से, और इसको हम ट्रांजिट रिमांड पे लेकर आए थे वहाँ पर, और आज इसको हम लोकल कोर्ट जो हमारा सहारनपुर में है उसके सामने हम पेश कर रहे हैं इसको। जब इससे पूछताछ की गई थी पुलिस द्वारा, तो पुलिस ने घटना इस तरह बताई है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी कोर्ट से भागने, कोर्ट से और जेल से भागने की, ये इसके दिमाग में तब आई थी जब इसको लग रहा था कि इस पे जो आजीवन कारावास का पूरे पूरे आसार बन रहे हैं इस केस में जिसपे सुनवाई चल रही, और तभी इसने अपने भाई जो टीपू और एक जिशान इसका साथी है जो 2011 में इसको जेल में मिला था, रहने वाला मुख्य रूप से ये कैराना शामली का है, इन सब लोगों ने ये प्लानिंग बनाई थी। और इस प्लानिंग के तहत टीपू इसको उस दिन जब कोर्ट में मिलने आया था 3 तारीख को, तब उसी की स्कूटी से लेकर वहाँ से भागा था। उसके बाद इसने इसको हबीबगढ़ छोड़ा था, हबीबगढ़ से ये किसी न किसी पब्लिक वाहनों से कैराना पहुँचा, कैराना में करीब ये 17 से 18 दिन रहा और उसको पनाह देने वाला जिशान ही था। और उसके बाद जब पुलिस की निगरानी थोड़ी सतर्कता कम हुई, तो ये और इसकी पत्नी दोनों को ही लेके जिशान उड़ीसा चला गया। उड़ीसा में इसने अपना एक ड्राइवरी का काम पकड़ लिया था और वहाँ पर ये छुपते छुपाते हुए रह रहा था। इसने अपने मोबाइल नंबर्स, मोबाइल सब चेंज कर दिए थे और किसी भी तरह से इसने अपने जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनसे सभी संपर्क तोड़ दिए थे। लेकिन सर्विलेंस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें हमने इसको ट्रैक डाउन किया है और इसको गिरफ्तार करके हम पेश कर रहे हैं। सर पत्नी की क्या भूमिका है? जी हाँ, शुरू से ही हमें टिप मिल रही थी कि हो सकता है कि इसकी पत्नी को पता हो, और पत्नी से काफ़ी सघन पूछताछ भी की गई थी जैसे ही जब ये भागा था वहाँ से, लेकिन उस टाइम पर कोई किसी तरह का क्लू नहीं मिल पाया था।
पत्नी को छोड़ना भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था, जो हमें पूरा भरोसा था कि पत्नी इससे संपर्क जरूर करेगी और तब इसका पकड़ना हमारे लिए आसान हो सकता है, उसी स्ट्रैटेजी के तहत उसको छोड़ा गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट क्लू ये भी मिले हैं कि ये पत्नी के साथ रह रहा था, इसी वजह से पकड़ा गया है। ठीक है, आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।